टेक्नोलॉजिया में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे वीवो के V7 के बारे में। हालांकि इससे पहले सितंबर में वीवो V7 प्लस लॉन्च हुआ था, लेकिन यहां पे दोस्तों इंडिया में वीवो V7 लॉन्च हो गया है। इसके प्राइस के बारे में बात करेंगे और फीचर्स के बारे में दोस्तों बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके प्राइस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इसका जो प्राइस रखा गया है 18,990 रुपये रखा गया है, जो कि आपको फ्लिपकार्ट पे मिलेगा। हालांकि फ्लिपकार्ट के बारे में दोस्तों ऑफर भी चल रहा है इस फोन के साथ, और यहां पर आप बड़े जो बैंक्स हैं उनके क्रेडिट कार्ड के साथ नो कॉस्ट EMI का भी ऑफर चल रहा है। इसके साथ दोस्तों जो फीचर्स के बारे में बात करें तो आपको 5.7 इंच का एक HD डिस्प्ले मिल जाता है, जो डिस्प्ले का रेजोल्यूशन होगा 720x1440 पिक्सल का। जो इसमें आपको रैम दी गई है 4GB की रैम मिल जाती है दोस्तों, और 32GB का इंटरनल स्टोरेज इस फोन में मिल जाता है। दोस्तों मेमोरी कार्ड के बारे में बात करते हैं तो आप 256GB तक मेमोरी कार्ड इस फोन में लगा सकते हो। और दोस्तों आपको प्रोसेसर जो आपको मिलता है वो आपको 1.8GHz का ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिल जाता है। और कैमरा के बारे में बात करते हैं तो कैमरा आपको 24MP का फ्रंट कैमरा मिल जाता है, जो एक सेल्फी मूनलाइट ग्लो कैमरा होगा। यहाँ पर दोस्तों जो आपको रियर कैमरा मिलता है वो आपको मिल जाता है 16MP का। हालांकि जो डिस्प्ले आपको मिलता है इस फोन में वो 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो वाला एक फुल व्यू डिस्प्ले इस फोन में मिल जाता है, जो कि एक काफ़ी बड़ा डिस्प्ले है दोस्तों। और यहाँ पर बैटरी के बारे में बात करते हैं तो आपको 3000 mAh की बैटरी मिल जाती है, और एंड्रॉयड का 7.1.1 नॉगट भी इस फोन में मिल जाता है, जो कि इनका कस्टम UI है। फन टच OS 3.2 उस पर ये रन करता है दोस्तों। और आपको 4G वोल्टी का भी सपोर्ट मिल ही जाता है इस फोन में। तो ओवरऑल देखा जाए तो प्राइस और फीचर्स के हिसाब से ये फ़ोन उतारा गया है। और दोस्तों यहाँ पर आपको कैमरा मिल ही जाता है, जो कि 24MP का फ्रंट कैमरा आपको मिलता है, और आपको 16MP का रियर कैमरा भी इस फोन में मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आता है लाइक एंड शेयर इस वीडियो को जरूर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।